कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए सिसनेट ग्लोबल टेक्नोलॉजी ने एक अनोखी मशीन को लॉन्च किया है। ये मशीन मात्र 2 फुट की है और बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने इस मशीन के बारे में बताया कि ये मशीन जहां पर भी रखकर चलाई जाएगी वहां से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। इसका उपयोग कंपनी, सरकारी कार्यालय, निजी घरों और रेलवे में व अन्य स्थानों पर कोई भी कर सकता है। इस मशीन को ICMR द्वारा 3 महीने के ट्रायल्स के बाद मंजूरी दी गई है। इस मशीन की 1 साल की वारंटी है और इसके काम करने की क्षमता 5 वर्ष तक की है। देखिए अर्थप्रकाश टीवी के लिए कैमरामैन दीपक चौहान के साथ राहुल तिवारी की विशेष रिपोर्ट। कैसे वर्क करती है? ये मशीन का नाम कोरोना किलर है। ये मशीन में से चार्ज आयंस प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं आयंस को चार्ज करके रिलीज करने के लिए। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आयंस रिलीज होते हैं। जब वो आयंस ट्रैवल करते हैं एयर में और जिस भी पार्टिकल को टच करते हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, इंक्लूडिंग द COVID-19 वायरस, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या होता है कि कोरोना वायरस के भी कई सारे लेयर होते हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन लेयर भी होती है, अलग अलग तरह की लेयर होती है। उस लेयर सरफेस को जब वो डिसइंटीग्रेट कर देता है तो वायरस डेड हो जाता है, वायरस किल हो जाता है। सर, ये मशीन बनाने का आइडिया कैसे आया और इसकी बनाने वाली कंपनी का नाम? ठीक है, मशीन बनाने का आइडिया ऐसे आया कि आप सोप सैनिटाइजर तो यूज़ कर सकते हो अपने बॉडी को, अपने हैंड्स को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, लेकिन आप सरफेस को कैसे करोगे? ऐसी सरफेसेस बहुत सारी आपके रूम, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज में अवेलेबल होती है जहाँ से कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, जहाँ पे वायरस रहता है और कोई भी आके उस सरफेस को हाथ लगाता है वहाँ से वो वायरस कैरी करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का क्या तरीका है? यही तरीका है आयनाइजेशन ऑफ एयर। आप एयर में ऐसे कुछ पार्टिकल्स चार्ज छोड़ दीजिए जो जब ट्रैवल करें तो वायरस को न्यूट्रलाइज करते हुए जाएँ, और अगर कोई भी कोविड कैरियर है जो इस आयंस के कांटेक्ट में आता है तो वो उसके बॉडी में अगर वो कैरी भी कर रहा है, उसके कपड़ों में, जूतों में, अपने मोबाइल फ़ोन में कहीं भी कैरी कर रहा है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, सेल्फ सेंट्रलाइज होता है। ये कांटेक्ट लेस डिसइंफेक्शन है। सर, एक सिंगल पीस मशीन कितना एरिया कवर कर लेती है? इसमें अलग अलग वेरियंट्स आते हैं। एक कोई आप 500 स्क्वायर फीट से लेके 6000 स्क्वायर फीट तक का वेरियंट आता है अभी, और इसके आगे AHU लेवल पे भी बना रहे हैं ताकि बड़े यूनिट्स हैं, बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं जहाँ पे सेंट्रलाइज AC लगा है वहाँ पे भी ये मशीन लगा के और उससे वो कर सकते हैं। फिलहाल आप इसका भी इनपुट उसमें दे सकते हो, डक्ट में दे सकते हो AHU के थ्रू, और AHU से जब वो हवा पुश करता है, ठंडी हवा जो देता है, तो वह जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगा वहाँ सारा बैक्टीरिया और ये वायरस COVID-19 वायरस किल हो जाएगा। अभी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने एक बात कही थी कि यही एक मशीन है जो कोरोना वायरस को रोक सकती है। करेक्ट। मोदी जी ने भी लॉकडाउन के टाइम कहा था कि लॉकडाउन ही एक तरीका है जो वायरस को रोक सकता है, तो आप कैसे श्योर है कि देखिए लॉकडाउन क्यों किया गया उसका मतलब समझिए। लॉकडाउन इसलिए किया गया क्योंकि आप जितना ज़्यादा कम लोग एक दूसरे से मिलेंगे और सरफेस को टच नहीं करेंगे वहाँ से वायरस कैरी नहीं होगा। आप एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में रहते हैं, आप किसी फ्लैट में रहते हैं, आप जब लिफ्ट में जाते हैं कोई कोविड पेशेंट उसको हाथ लगा के गया, वो वहाँ वायरस छोड़ के गया, आपने उसी बटन को दबा दिया, आपके हाथ में वो वायरस आ गया, फिर आपने नाक में हाथ लगा दिया, आपके बॉडी में चला गया वो, तो वहाँ से वो फैलता है, कम्युनिटी स्प्रेड होता है। वो कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया। और उसी तरह इस मशीन से भी आप जो आप देख रहे हो अभी, आप ये सुखदेव ढाबा वाला इंसिडेंट देख लीजिए, उस ढाबे में 61 कर्मचारी आपको एक दिन में मिल गए। आप सोचिए वो कर्मचारी कहाँ कहाँ गए होंगे, कितने लोगों को टच किया होगा, कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे। अगर वहाँ अगर इस तरह की मशीन लगी होती तो वो कम से कम कोविड फ्री जोन होता, और जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके स्थापक हैं, जो संस्थापक हैं, वो सारे कहीं भी उस वैरी को कैरी नहीं करते ना, वायरस को कैरी नहीं करते। मोडस ऑपरेंडी वही है, थॉट प्रोसेस यही है कि आपको वायरस को इतना न्यूट्रलाइज करना है जहाँ भी अभी आप इस रूम में खड़े हो, ये मशीन 1 घंटे से चल रही है, आप प्लेट टेस्ट करवा लीजिए, यहाँ पे आपको COVID-19 का वायरस नहीं मिलेगा। ये ICMR ने ऑलरेडी टेस्ट किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी ने इसको टेस्ट किया है, और ICMR ने 3 महीने इस मशीन को टेस्ट करने के बाद उसकी रिपोर्ट दी है। ट्रांसपोर्ट में इसमें ये इसके ये रेलवेज में लग सकती है, बोगीज में लग सकती है ये मशीन। इवन इतने 1 वोल्ट के आप उसका अडाप्टर लीजिए, अपने कार में फिट कर लीजिए, आपका कार सैनिटाइज कर लीजिए, बसेस में लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आयंस हर जगह, आयंस से आपको कोई इफेक्ट नहीं होता है, आपको आपके हेल्थ में, आपके शरीर में कोई इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट किसको होता है? वायरस को होता है।
सर, एक ग्राहक जब मार्केट में सामान लेने जाता है तो वो सबसे पहले ये पूछता है कि कितने टाइम चलेगी, तो इसकी शॉर्टी क्या है, कितने टाइम तक वर्क करती है? इस मशीन के हम एक साल की लिखित वारंटी दे रहे हैं। इनफैक्ट एक साल के अंदर अगर मशीन को कुछ भी हो जाता है हम रिप्लेसमेंट देंगे इसका। सेकेंड, इसकी जो सेल्फ लाइफ, जो बेस बॉडी और फिजिकल टेस्ट किया गया UIACL का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 5 साल से 10 साल की है। सर, इसे कहाँ से खरीदा जा सकता है? इसे आप हमसे ले सकते हैं, साइसर ग्लोबल टेक्नोलॉजीज से। हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस है जीरकपुर में, हमारा एक ऑफिस गुड़गांव में भी है, तो जब भी आपको जहाँ आप सहूलियत हो आप वहाँ से मशीन ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये टेस्ट रिपोर्ट है नायडू हॉस्पिटल की। वहाँ ये उन्होंने 51 सैंपल्स को टेस्ट करके उसके बाद इसको रिकमेंडेशन दिया है। अभी भी वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 60 के करीब मशीनें लगी हुई हैं। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको अप्रूवल दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसका अप्रूवल दिया है, उसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च उसका भी रिकमेंडेशन है। यही एक मशीन है जो आपके कम्युनिटी वायरस को रोक सकती है, कम्युनिटी स्प्रेड को रोक सकती है। ये हम सरकार को भी समझा रहे हैं और हर अधिकारी जो सरकार के हैं उनको भी मिलके हम समझा रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।